किया है तो मेरे वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। थैंक यू। नमस्कार, आई एम अंजनी कुमार गुप्ता, योर फ्लूट प्रमोटर फ्रॉम इंडिया। माय कॉन्टेक्ट नंबर इज +91 933 411 2316। यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर द मेकिंग ऑफ योर डिजायर्ड सॉन्ग्स एंड वीडियो नोटेशन, एंड यू कैन एंजॉय एंड एक्सप्लोर योर वीडियो नोटेशन एट योर होम एंड विदाउट एनी हरासमेंट। नाउ मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं किल बिल मूवी का ये साउंड ट्रैक विद ट्यूटोरियल। नाउ एंजॉय दिस। गाना ओरिजिनली डी माइनर स्केल में है और अभी बांसुरी पर सहजता से बजाने के लिए मैं इसे सी माइनर स्केल में रखूंगा। और बांसुरी मैंने जो अब मेरी मनपसंद बांसुरी है सुभाष ठाकुर जी की D7, और इसका स्केल ये बनेगा यहां से सी माइनर स्केल। तो लीजिए प्रस्तुत है। ये था किल बिल का साउंड ट्रैक। उम्मीद है कि आपको ये
अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत कोशिश की इसके साउंड फाइल्स को पढ़ने की और जो मुझे समझ में आया मैंने वो आपको दिखाया है। चलते हैं अब इसके वीडियो ट्यूटोरियल्स पर। बड़ी बांसुरी से मैं वीडियो ट्यूटोरियल दिखा रहा हूं आपको बहुत ही सहजता से। गरेगा फर्स्ट पीस, गाना बहुत ही स्लो है, जिसको हमारे हिंदुस्तानी में कहते हैं अति विलंबी। सेकंड पीस है रेरेगा, रेरेगा। नेक्स्ट पीस धा प म प रे ग अगेन, सेम चीज रिपीट होती है। सारे धा प धा प म प रे ग इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ चालू होता है। गा रे सा सा नेक्स्ट लाइन फिर से गा रे सा सा धा पा मा रे फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली फिर रे रे गा। उसके बाद फिर मैंने पीछे साउंड बैकग्राउंड के साउंड म्यूजिक में सुना वो एक पीस आता है इसके बाद जो बहुत फास्ट था अंदर से सुनने पर, लेकिन जो पहला पीस था ग रे सा नी धा ये डी माइनर का कॉर्ड है, इसमें इसके हिसाब से आपको तो सी माइनर का कॉर्ड था ग रे सा नी धा। फिर उसके बाद मैंने पाया इसी चीज के अंदर फिर एक थोड़ा सा इमेजिनरी वर्क किया हुआ है जिसको आप बजाएं, इसको इमेजिनरी वर्क में कुछ भी डालकर आप बजा सकते हैं जस्ट लाइक कॉर्ड में डालकर आप कुछ भी हल्का हल्का बजाएंगे, बस फिंगर्स इतने ही है सारे धा नी सा रे गा मा पा धा। उसके बाद फिर ऊपर नी सा, एक्चुअली मैंने दो ऑक्टेव में इसको पाया है क्योंकि इसलिए मैं छोटी बांसुरी भी मैंने आपको दिखाई कि उसके ऊपर जो पिकोलो बजा है ऊपर में ले जाकर, वो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था इसलिए मैंने उसका फिर एक शॉर्ट फ्लूट निकालकर उसको मैंने भरा है। तो आप इसको देखिएगा और मुझे लगता है कि आप निकाल लेंगे और इसको फिर पिकोलो में डालकर छोटी बांसुरी में ठीक सेम स्केल यही है डी साथ ही बांसुरी का लेकिन वो स्केल सी माइनर धनी सा गा नी सा गा मा सा गा मा धा गा मा धा नी सा इस तरह से हो गया है। आप इसको इस तरह से आप भरेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा
और इसको आप बजाना है बस, सुनने वाले को बहुत मजा आएगा। चूंकि प्राइमरी जो साउंड ट्रैक हम लोगों ने बजा दिया है, प्राइमरी साउंड ट्रैक के अंदर आप साउंड ट्रैक के अंदर आप इमेजिनरी वर्क थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जैसा कि हम हिंदुस्तानियों म्यूजिक में करते हैं। देन कीप वॉचिंग मी, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग मी, अंजनी कुमार गुप्ता।